हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डूइंग सिक्स्थ लेसन ऑफ द टेंथ क्लास, दैट इज द 100 ड्रेसेस। इट इज ए सेकंड पार्ट ऑफ द लेसन फिफ्थ। हमने पढ़ा था द 100 ड्रेसेस वेंडा पेट्रोंस्की के बारे में, और इसके लास्ट में हमने फिफ्थ लेसन के लास्ट में हमने पढ़ा था कि वेंडा पेट्रोंस्की जो ड्राइंग कॉम्पिटिशन है वो जीत जाती है। अब उसके बाद देखते हैं कि आगे इस लेसन में क्या होता है। The students were walking in the room and admiring the dress designs made by Vanda. अब students अपने अपने कमरे में जा रहे थे और प्रशंसा कर रहे थे उन डिजाइन के बारे में जो कि Vanda ने बनाए थे। Meanwhile, a notice from the principal office came and Miss Mason read a letter before the class. इसी बीच एक नोटिस आया प्रिंसिपल ऑफिस से, और मिस मैसन जो उनकी टीचर थी उन्होंने सब बच्चों के सामने क्लास में उस लेटर को पढ़ा। इट वाज फ्रॉम वेंडाज फादर, वेंडा के पिताजी के द्वारा भेजा हुआ था। वेंडाज फादर हैड रिटन दैट वेंडा वुड नॉट कम टू द स्कूल एनी मोर एज दे वर मूविंग टू बिग सिटी। वेंडा के पिताजी ने उस पत्र में लिखा था कि वेंडा अब से क्या है स्कूल में नहीं आएगी क्योंकि वे क्या है बड़े शहर में जा रही है। एक्चुअली दे वर फेड अप विद अदर्स बिहेवियर टुवार्ड्स देम। फेड अप मीन्स तंग आ जाना, परेशान हो जाना। वास्तव में क्या थे, वो परेशान हो गए थे बाकी बच्चों के जो बिहेवियर था उन वेंडा के प्रति, इससे वो परेशान हो गए थे। इन दैट सिटी नोबडी वुड कंसीडर वेंडाज नेम फनी एंड लाफ्ट एट हर। जो बड़े शहर में जा रहे हैं वहां पर कोई भी क्या है वेंडा के नेम को लेकर मजाक नहीं उड़ाएगा और उस पर हंसेगा नहीं। साइलेंस स्प्रेड इन द एंटायर क्लास एंड एवरीवन फेल्ट बैड अबाउट वेंडा। सब जगह क्या है शांति छा गई क्लास में और सबको क्या है बुरा लग रहा था वेंडा के लिए। मिस मैसन अंडरस्टूड देयर फीलिंग्स एंड टोल्ड देम दैट नो वन शुड हर्ट एनीवनस फीलिंग्स बिकॉज हिज और हर नेम वाज लॉन्ग और फनी। मिस मैसन ने इस भावनाओं को समझा और उन्होंने क्लास में कहा कि किसी को भी किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए क्योंकि उसका नेम चाहे बड़ा हो चाहे फनी हो मजाकिया हो लेकिन हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। She said that what had happened in the school about Vanda was bad. वह सोच रही थी या कह सकते हैं वह कह रही थी what had happened स्कूल में Vanda के साथ ऐसा क्या हुआ जो इतना बुरा था। She asked them to think about that. तो टीचर ने सब बच्चों कहा कि इसके बारे में जरूर सोचिए आपने क्या बुरा किया Vanda के प्रति। When Maddie heard about Vanda, she could not concentrate on her study. जब मैडी ने वेंडा के बारे में सुना तो वह अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, ध्यान एकंद्रित नहीं कर पा रही थी। शी हैड अ गिल्टी फीलिंग, थोड़ी सी शर्म महसूस हो रही थी। इट वॉज अ ट्रू दैट शी हैड नेवर मेड फन ऑफ वेंडा हरसेल्फ, और यह भी सच था कि उसने अपने आप खुद कभी वेंडा का मजाक नहीं उड़ाया था। बट एट द सेम टाइम शी सैड नथिंग स्टूड साइलेंटली, लेकिन उसी समय वो वहां पर क्या है चुपचाप खड़ी रहती है। शी फेल्ट दैट शी वॉज ए कवर्ड एंड नेवर स्टॉप्ड पैगी फ्रॉम मेकिंग फन ऑफ वेंडा, और वह महसूस करती है कि वह एक कायर की तरह है क्योंकि उसने कभी पैगी को वेंडा का मजाक उड़ाने से नहीं रोका। मैडी वंडर्ड इफ शी कुड डू एनीथिंग, मैडी हैरान होती है क्या वह उसे रोक सकती थी। शी वॉन्टेड टू मीट वेंडा टू एक्सप्लेन दैट शी हैड नेवर मीन्ट टू हर्ट हर फीलिंग्स। वह वेंडा से मिलना चाहती थी और उसे बताना चाहती थी कि उसका मतलब ये नहीं था कि वो उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए। शी मेड अप हर माइंड टू गो टू हर हाउस एंड इन्फॉर्म हर दैट शी हैड वन द कंटेस्ट एंड दैट हर ड्राइंग वर रियली ऑसम। उसने अपने मन में ये बात ठानी कि वह उसके घर जाएगी और उसे बताएगी कि उसने कॉन्टेस्ट जीत लिया है और उसकी ड्राइंग क्या थी बहुत ही ज्यादा अद्भुत थी। आफ्टर द स्कूल वॉज ओवर पैगी टोल्ड मैडी वॉकड टुवार्ड्स वेंडाज हाउस। स्कूल खत्म होने के बाद पैगी ने मैडी से कहा कि वो भी क्या है वेंडा के घर चलेगी। ऑन द वे पैगी एक्सप्लेन्ड दैट शी हैड नेवर कॉल्ड वेंडा ए फॉरनर। रास्ते में पैगी ने उसे बताया कि कभी उसने नहीं समझा या कभी उसने नहीं कहा कि वेंडा क्या है एक विदेशी लड़की है। शी ऑलवेज थॉट दैट वेंडा वॉज ए डम गर्ल, वह हमेशा सोचती थी कि वेंडा क्या है एक गूंगी लड़की या चुपचाप रहने वाली लड़की है। एंड नेवर इमेजिन दैट शी कुड एवर सेंस द फन मेड ऑफ हर, और उसने कभी नहीं सोचा था कि ये मजाक उसे वो क्या है सीरियस ले जाएगी, यानी उसे बहुत बुरा लग जाएगा इस मजाक का। मैडी जस्ट वांटेड टू मीट वेंडा एंड टेल हर दैट दे वर सॉरी फॉर देयर रूड ट्रीटमेंट। मैडी क्या है चाहती थी कि वे वेंडा से मिले और उसे बताए कि वो बहुत ही क्या है बुरा फील कर रही है, माफी मांगना चाहती है अपने अभद्र व्यवहार के लिए, कठोर व्यवहार के लिए। शी वुड रिक्वेस्ट हर नॉट टू मूव अवे, वे उसे रिक्वेस्ट करेंगी कि वो यहां से ना जाए।
पैगी एंड मैडी रीच्ड वेंडा's हाउस इन दी बोगिन्स हाइट्स। पैगी और मैडी वेंडा के घर पर, जो कि कहाँ था, बोगिन्स हाइट्स में था, वहां पर पहुंच गए। इट वॉज शैबी, शैबी कह लीजिए पुराना या टूटा फूटा, पुराना था बट क्लीन, साफ सुथरा था। एंड रिमाइंडेड मैडी ऑफ वेंडा's वन ड्रेस। मैडी को रिमाइंडेड मैडी ऑफ वेंडा's वन ड्रेस, मैडी क्या है, वेंडा की एक पुरानी ड्रेस के बारे में उसे याद दिलवाना चाहती थी। पैगी नॉक्ड ऑन दी डोर बट देयर वॉज नो रिस्पॉन्स। पैगी ने दरवाजा खटखटाया परंतु कोई भी क्या है वहां पर नहीं आया, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई भी बाहर नहीं आया। वेंडा एंड हर फैमिली हैड ऑलरेडी लेफ्ट द प्लेस। वेंडा और उसका परिवार घर छोड़कर जा चुके थे। बोथ द गर्ल्स रिटर्न, दोनों लड़कियां वापस आ गई। पैगी सेड दैट हर आस्किंग वेंडा अबाउट हर ड्रेसिज एक्चुअली हेल्प्ड हर। पैगी कहती है कि वेंडा बताना, यानी वेंडा को वो बताना चाहती है कि उसकी ड्रेसेस ने एक्चुअल में बहुत हेल्प की है हमारी, अदरवाइज परहैप्स शी माइट नॉट हैव वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, नहीं तो क्या है वो ड्राइंग कॉन्टेस्ट ना जीतती। मैडीज कंसिस्टनेस कैप्ट प्रिकिंग हर, जो मैडी की कंसिस्टनेस है, एहसास है मैडी का, वो क्या उसे झकझोर रहा था, चुभ हो रहा था, यानी उसे बहुत गिल्टी फील हो रही थी। शी कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, वेयर उस रात को सो भी नहीं पाई एंड कैप्ट थिंकिंग ऑफ वेंडा, और वेंडा के बारे में सोचती रही, हर ड्रॉइंग्स उसकी ड्रॉइंग के बारे में एंड हर हाउस और उसके घर के बारे में। एट लास्ट शी डिसाइडेड दैट शी वुड नॉट कीप क्वाइट, और आखिरकार वो निश्चय करती है कि वो चुप नहीं रहेगी। इफ समवन मेड फन ऑफ एनीबडी बिफोर हर, अगर कोई भी क्या है उसके सामने कोई भी मजाक उड़ाएगा तो वो चुप नहीं रहेगी। शी वुड नॉट माइंड इवन इफ शी हैड टू लॉस पैगीज फ्रेंडशिप, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे वो क्या है पैगी की मित्रता को खो दे, लेकिन अब वो किसी का और किसी का मजाक उड़ने नहीं देगी। पैगी एंड मैडी रोट ए लेटर टू वेंडा ऑन द फ्लोइंग सैटरडे। पैगी और मैडी लेटर लिखते हैं वेंडा को अगले शनिवार को। इट जस्ट मीन टू बी फ्रेंडली लेटर, ये सिर्फ क्या था, एक मित्रतापूर्वक एक पत्र था। दे प्रेज्ड वेंडाज ड्रॉइंग एंड रोट दैट शी हैड वन द कॉन्टेस्ट, उन्होंने वेंडा की ड्रॉइंग की तारीफ की और लिखा कि वो क्या है कॉन्टेस्ट जीत गई है। दे मेल टू वेंडाज बोगिंग्स हाउस हाइट्स एड्रेस, उन्होंने क्या किया, उस पत्र को बोगिंग्स हाइट्स के एड्रेस पर भेज दिया विद द रिक्वेस्ट, ये निवेदन करते हुए, दैट इट बी सेंट टू हर न्यू एड्रेस, ताकि क्या है जिसको भी ये पत्र मिले वो वेंडा के नए एड्रेस पर उसे भेज दे। नंबर ऑफ डेज पास्ट बट नो रिप्लाई केम, बहुत दिन बीत गए लेकिन कोई भी उत्तर नहीं आया। इट वॉज क्रिसमस टाइम, क्रिसमस का समय था। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, स्कूल के अंतिम दिन में मिस मैसन रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम वेंडा, मिस मैसन ने एक पत्र प्राप्त किया वेंडा की तरफ से। अब आपको याद होगा कि मिस मैसन कौन थे, उनके टीचर थे। वेंडा हैड रिटन दैट द गर्ल्स कुड कीप दोज 100 ड्रेसेस बिकॉज इन हर न्यू हाउस शी हैड 100 न्यू वंस। वेंडा ने ये लिखा कि वो सारी की सारी जो ड्रेसेस ड्राइंग्स बनाई थी वो क्या है सभी गर्ल्स को दे दी जाए, क्योंकि नए घर में क्या है उसके पास 100 ड्रेसेस और हैं। शी हैड गिफ्टेड द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग्स टू पैगी, उसने क्या कहा कि उसने क्या किया, ये गिफ्ट दे दिया है, ग्रीन ड्रेस को गिफ्ट दिया है, किसे, पैगी को, जो कि क्या है रेड ट्रिमर्स। ट्रिमिंग्स क्या होता है, झालर लगी होती है, जो कपड़े की झालर लगी होती है ड्रेस पे, वो तो उसने कहा कि पैगी को ग्रीन ड्रेस गिफ्ट दे देना। शी रोट दैट मैडी कुड हैव दी ब्लू ड्रेस, उसने ये भी लिखा कि मैडी को क्या है ब्लू ड्रेस दे दी जाए। शी विश्ड मैरी क्रिसमस टू ऑल, और उसने क्या किया सभी को विश भी किया मैरी क्रिसमस। दे एक्सेप्टेड दी ड्रॉइंग्स, उन सब ने क्या किया ड्रॉइंग्स को एक्सेप्ट कर लिया। ऑन द वे होम पैगी एंड मैडी हेल्ड देयर ड्रॉइंग्स वेरी केयरफुली, और घर जाते हुए पैगी और मैडी ने क्या किया ड्रॉइंग्स को बहुत ही ध्यानपूर्वक लेकर गए। मैडी इवन पिंच दी ड्रॉइंग इन हर बेडरूम, मैडी ने क्या किया उस ड्रॉइंग को क्या अपने बेडरूम में ही पिन कर दिया, पिन मीन्स लगा दिया, दीवार पर लगा दिया। मैडी वॉज फिल्ड विद सोरो, मैडी दुख के मारे भर गई, यानी उसे बहुत ज्यादा गिल्टी फील हुई। शी वंडर्ड इफ शी कुड एवर सी वेंडा अगेन, उसे वह सोच रही थी, वो हैरान थी क्या वो वेंडा से फिर कभी मिल पाएगी। थिंकिंग ऑल दिस, ये सोचते हुए शी गेज्ड एट दी ड्रॉइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, वह क्या है गेज निहारना घूरना देखती रही काफी देर तक ड्राइंग को। सडनली शी नोटिस द फेस एंड द हेड इन द ड्राइंग, तो अचानक से उसने क्या किया ड्राइंग के ड्राइंग पर जो पिक्चर बनी हुई थी उसका फेस देखा और हेड देखा। इट लुक्ड लाइक हर ओन हेड एंड फेस, ये बिल्कुल उसके सिर और फेस जैसा था। शी वॉज एक्साइटेड टू फाइंड दैट वेंडा हैड मेड दैट ड्राइंग स्पेशली फॉर हर, मैं बहुत उत्सुक हुई कि वेंडा ने ये सब
क्या है ये ड्राइंग, क्या है स्पेशली मुख्य रूप से उसके लिए बनाई है। शी रेन टू पैगी हाउस, वह भागकर पैगी के घर जाती है एंड टोल्ड पैगी अबाउट हर स्ट्रेंज रेवलेशन, और भाग कर जाती है और पैगी को क्या है ये अजीब से रेवलेशन रहस्य के बारे में बताती है। देन दे सा पैगीज ड्रॉइंग एंड फाउंड पैगीज फेस इन इट, तब उन्होंने क्या किया पैगी की ड्रॉइंग को देखा और देखा कि वो क्या पैगी का क्या है फेस बिल्कुल उससे मिलता है। पैगी टू वॉज हैप्पी टू सी हर ओन इमेज इन द ड्रॉइंग, पैगी भी क्या थी बहुत खुश थी अपने फेस को उस इमेज में देखकर। एंड कंक्लूडेड दैट वेंडा रियली लाइक देम, और ये उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वेंडा क्या है उनसे बहुत ही प्यार करती थी। देयर वर टीयर्स इन मैडीज आईज एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वेंडा पेट्रोंस्की, अब क्या है मैडी की आंखों में आंसू थे जब भी वो क्या थी वेंडा पेट्रोंस्की के बारे में सोचती थी। तो गाइज ये आपका लेसन था द 100 ड्रेसेस, 5th और 6th लेसन, ये आपकी एक सिंगल स्टोरी थी वेंडा पेट्रोंस्की, पैगी और मैडी तीन क्लासमेट्स के बारे में। तो हमने क्या देखा कि इसमें क्या इसकी थीम क्या बनती है, दिस स्टोरी हाईलाइट्स द थीम ऑफ द रिपेंटेंस एंड फॉरगिवनेस, यानी हमें बताती है कि किस तरह से पश्चाताप और माफी, यानी कि वो दोनों क्या है पैगी और मैडी दोनों को पश्चाताप होता है और वो माफी मांगती है वेंडा से, चाहे डायरेक्टली नहीं मांग रहे होंगे यानी कि वो उनके सामने नहीं थी लेकिन वो पश्चाताप महसूस कर रहे थे। तो आपका ये लेसन था द 100 ड्रेसेस 6th लेसन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।